देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने, युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने, सेना के प्रति आमजन की सद्भावना का भाव जगाने, जन सहभागिता के उद्देश्य से अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात से कोणार्क सेना डिवीजन के तत्वावधान में निकाली जा रही साइकिल रैली यात्रा गुरुवार को पाप कस्बे में पहुंची। यात्रा का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे छात्र छात्राओं ने भारत माता के जयकारे लगाकर यात्रा में शामिल जवानों का स्वागत किया। तुलसी टेंट हाउस पहुंचने पर उपखंड अधिकारी मांगीलाल, थानाधिकारी समरवीर सिंह, कांग्रेस नेता महेश व्यास, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, प्रधानाचार्य लक्ष्मण सोलंकी, प्रधानाचार्य पप्पूराम गोदारा व मॉडल स्कूल प्रधानाचार्य राजीव कुमावत ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। भारत विकास परिषद शाखा बाप के ओम प्रकाश राठी, दामोदर मेहता व मोहन भैया ने स्मृति चिन्ह देकर सेना के अधिकारियों का सम्मान किया। इस मौके पर मेजर ब्रजेश कुमार ने कहा कि देश की सीमा पर बैठे लोगों की युद्ध के समय सेना को बहुत जरूरत होती है। सीमावर्ती क्षेत्र में देशभक्त लोगों की आवश्यकता है। मेजर ने युवाओं को अग्निवीर योजना की जानकारी दी। पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल ने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान प्रकाश गुचिया, किशोर राठी, मनोज पुरोहित, सुबेदार टिकुराम, विजय कुमावत, राजा जोशी, त्रिलोक राठी, मांगीलाल पालीवाल, सुरेश पालीवाल, अखिराज खत्री, दिलीप शर्मा, पूनम चंद पालीवाल, मांगीलाल सेन आदि मौजूद रहे। भारत माता की भारत के माननीय सदस्य महेश जी जाग से माला बना करते हैं, किशोर जी राठी उनके निवेदन सरपंच इनके जो कार्य है उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं और उन्हीं की बदौलत हम एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो सबसे पहले इनको नमन। दूसरा, रैली के साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि आज बच्चे भी यहाँ पे उनको बुलाया गया है और सबसे ज्यादा आवश्यकता इन बच्चों को है, क्योंकि विगत समय में कुछ जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं सेना के, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और जो बच्चे रहे जो 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो उन चीज़ों से अभी पूरा वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है, तो उनको भी एक जो भी विगत समय में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको जानने का अवसर मिले। खुशी हो रही है कि हमें इनके स्वागत का मौका मिला, ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया इनका, हमें जब भी मौका मिलता है हम ये मौका छोड़ते नहीं है। और बाप वालों, आप तो विशेष तौर से धन्यवाद के पात्र हो, बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर व्यवस्था की आज, इन लोगों का मान सम्मान जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाप वालों को वाले हैं, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें जो भैरू नगरी में पधारे, मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन।